अंग्रेज के जमाना में जो स्टेशन बना, जैसे खैरपोखरा है, भैरोगंज है, साठी है, आज जर्जर स्थिति में है, उसका भी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। मान्यवर, सबसे बड़ी शोचनीय बात है कि अंग्रेज के जमाना में नरकटिया जंक्शन हुआ करता था, वहां वासिक पीठ हुआ करता था, वहां से जयनगर के लिए ट्रेन जाती थी, वहां से ठोरी के लिए ट्रेन जाती थी, वहां से बगहा के लिए ट्रेन जाती थी, वहां से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन जाती थी। लेकिन आज वासिंग पीठ के अभाव में पूर्व की सरकार ने वासिंग पीठ वहां से हटा के दूसरे जगह रख दिया। आज वहां से ट्रेन बन के नहीं खुलती है, ट्रेन केवल एक जंक्शन, एक स्टेशन के रूप में कायम होकर रह गया है, वहां वासिंग पीठ दी जाए। मानवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मंत्री जी और उपाध्यक्ष महोदय, कि बगहा बिहार का सबसे अंतिम बॉर्डर है और वहां से जिला मुख्यालय पर जाने के लिए कोई दिन में ट्रेन नहीं है। वहां डीएमओ चलवाया जाए, बगहा से बेतिया तक कम से कम दिन में दो फेरा लगे कि वहां से काम करने वाले लोग जिला मुख्यालय तक जा सके। पाटलिपुत्रा के लिए बगहा से एक ट्रेन दी जाए जो रात में 12 बजे के बाद हो और सुबह पहुंचे पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से फिर शाम को खुले और 12 एक बजे कम से कम रात में पहुंच सके, वैसे ट्रेन की जरूरत है। चंपारण के लोग बहुत उम्मीद, दो मिनट आपसे आग्रह करेंगे, दो मिनट, बहुत उम्मीद है। बगहा में एक वॉशिंग पीट की समस्या आती है कि जब ट्रेन वहां से चलेगा तो धुलाई के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ेगा, एक वहां भी, वहां काफी जमीन है। मैं समस्तीपुर डिवीजन में मैं कहता हूं, जिस डिवीजन में नरकटिया बगहा है, उतना जमीन किसी स्टेशन के पास नहीं है जितना जमीन वहां है, इसलिए वहां भी वॉशिंग पीट दी जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दो ओवर ब्रिज बहुत ही हमारे जिला के लिए महत्वपूर्ण ओवर ब्रिज है, एक बेतिया में छावनी जो पारित है लेकिन